ऑडियंस के बीच फिर लौट रहा है सलमान खान का शो बिग बॉस, लेकिन इस बार है ये बड़ा ट्विस्ट। बिग बॉस टेलीविजन का सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शोज में से एक है। सलमान खान के इस शो में अब टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े फेसेस नजर आ चुके हैं। बिग बॉस में अब तक 16 सीजन सफल हो चुके हैं। जहाँ कुछ सीजन सुपर हिट रहे तो वहीं कुछ को ऑडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं की। इन शोज में शहनाज गिल से लेकर प्रियंका चहर चौधरी और शिव ठाकरे सहित कई स्टार्स को पहचान दिलाई है। अब हालिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बार फिर से बिग बॉस टेलीविजन पर लौटने वाला है, लेकिन इस बार ये कंट्रोवर्शियल शो में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, कलर्स का सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो टीवी पर ऑन एयर होने जा रहा है। हालांकि इसमें एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि मेकर्स कोई नया सीजन लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपना पुराना सीजन ऑडियंस की डिमांड पर ऑन एयर करने वाले हैं। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल ने अपने इंस्टाग्राम पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए बताया है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का सीजन बिग बॉस 13 एक बार फिर से टीवी पर ऑन एयर हो सकता है। जी हाँ, ये शो मंडे से लेकर संडे को सुबह 8 बजे कलर्स पर टेलीकास्ट किया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि ये पहले से ही वूट पर है तो शो यहाँ क्यों देखें। हालांकि मेकर्स की तरफ से सीजन के टीवी पर लौटने की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद लोगों के अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, लोगों को बार बार एक ही झगड़ा देखने में क्या मजा आता है। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन सबसे ज्यादा बेस्ट था। आपको बता दें कि बिग बॉस के सभी सीजन में से 13वां सीजन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल के अलावा आसिम रियाज, पारस छाबड़ा, माहिरा शर्मा, विशाल, आदित्य सिंह, रश्मि देसाई और देवोलीना जैसे कई स्टार्स नजर आए थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने जहां शो की ट्रॉफी अपने नाम की, तो वहीं आसिम रियाज शो के पहले रनर अप बनकर सामने आए थे। पर आपका इस पूरी अपडेट पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।